हेलो क्वींस प्रिंसेस, कैसे हैं आप सब लोग? आज देखिए साया कलेक्शन मेरी रसोई में हम लोग, आपने रायते तो बहुत से सुने होंगे लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट रायता बनाएंगे। आज हम लोग बनाएंगे भिंडी का रायता। उसके लिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ हम लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए। दही और हरी मिर्च और ये जीरा, सादा नमक, ये हमने थोड़ा सा मैदा लिया है, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक। और भिंडी का रायता है क्योंकि उसको आप तो भिंडी चाहिए, भिंडी को थोड़ा बड़े साइज़ में काट लीजिएगा, ये देखिए ठीक है। इसको अभी हम लोग फ्राई करेंगे तो मैं गैस खोल देती हूँ। इसमें हमने रिफाइंड चढ़ा दी अपने फ्राई पैन में गर्म होने के लिए। ये जब तक हमारा रिफाइंड गर्म होगा हम भिंडी में जल्दी जल्दी सब मिला लेते हैं। देखिए भिंडी में हमें मिलाना है पहले तो लाल मिर्च पाउडर, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और सादा नमक 1 टेबल स्पून, और इसी में हम मिलाएंगे मैदा। मैदा हमको बस थोड़ी सी मिलानी है। और भिंडी गाइड्स बिल्कुल धो के पोंछ के क्वींस, अच्छे से कपड़े से पोंछ के और फिर काटिएगा आप, क्योंकि हमें भिंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, एकदम ड्राई चाहिए हमें भिंडी। ये देखिए बस इसको हमने ऐसे कोटिंग करनी है सिर्फ, ताकि ये भिंडी हमारी हमें जब मुंह में आए रायते में तो फीकी ना लगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा हाथ गीला करूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी भिंडी काफ़ी सूख चुकी है, थोड़ा सा मैंने हाथ बस गीला किया है। देखिए क्वींस, हमने सिर्फ हाथ गीला किया था बस, ये देखिए, ताकि इस पे कोटिंग जो है चिपक जाए थोड़ी सी। ये देखिए बस सिर्फ हाथ गीला करने से ही ये देखिए हमारा पूरा सूख चुका है, और इधर हमारा ऑयल भी हो गया है। अब उसमें हम भिंडी डाल देते हैं। बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से डालिएगा, एक बार में पूरी आपकी नहीं आएगी तो आप दो बार कर लीजिए। अब हम भिंडी को लाल होने तक बिल्कुल सेक लेंगे। देखिए क्वींस, भिंडी को जो है हमें हाई से मीडियम रेंज में ही करना है, और अगर हम इसको बहुत स्लो पे करेंगे तो भिंडी पानी छोड़ने लग जाएगी। और इसी के साथ हम इसमें ये हमने हरी मिर्च ली थी, ये हरी मिर्च हमने ली है, इसको हमने चीर लिया है चक्कू से पहले, ये देखिए, नहीं तो इसको फूटने का डर रहता है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। अभी हम इसको होने देंगे, और हमें बहुत ज़्यादा कालेपन पे नहीं लानी है भिंडी, नहीं तो फिर वो कड़वी लगने लगेगी। हमें बस थोड़ा सा रेडिश करनी है भिंडी को। ये देखिए हमारी मिर्च भी होने लगी है और भिंडी भी ऑलमोस्ट हमारी हो गई है। ये देखिए अब यहीं पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और अपनी भिंडी निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमने भिंडी निकाल ली है। इसमें आपको थोड़ा सा मेरे को समझ में आ रहा है, वीडियो में दिख रहा है कि थोड़ा बहुत डार्क कलर दिख रहा है, लेकिन ठीक है। चलिए अब हम इसको फ्राई पैन को हटा देते हैं, और हम एक ये जो छोटा फ्राई पैन हमने लिया था इसको हम रखेंगे तड़का बनाने के लिए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बस हमें जीरा इसमें तड़काना है बस। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है बस, ये देखिए। और ये दही लिया है, दही में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा दूध डाल लिया था रायते के हिसाब से। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसमें जल्दी से हम मसाले मिला देंगे, ये भुना जीरा, काला नमक,
आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसमें हम बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च डालेंगे। मेरी लाल मिर्च बाहर ख़त्म हो गई है, मैं अंदर से निकाल के डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च भी है, भिंडी में भी है। देखिए बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें जाएगा थोड़ा सा सादा नमक। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा उधर कर देती हूँ। और आप इस रायते को जब सर्व करिए, मैं कहूँगी जब प्लेटिंग करने लगी है, तभी इसमें भिंडी डालिए, क्योंकि भिंडी नहीं तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, जो उसका क्रंचीपन है वो ख़त्म हो जाएगा हमारी भिंडी का, और क्रंचीनेस इसमें बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये हमारा हो गया और ये हमारा रिफाइंड भी हो गया। इसमें हम जीरा डालेंगे। देखिए हमारा जीरा तड़क गया, इसको हमने इसमें डाल देना है। थोड़ा सा हमने रोक लिया है, अभी हम प्लेटिंग करेंगे, उसमें हम डालेंगे। अब मैं इसकी प्लेटिंग देखिए, अभी हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं जल्दी से। ये हम सबसे पहले तो लेंगे भिंडी, नीचे हमने डालनी है भिंडी। देखिए ऐसे ये भिंडी डाली हमने, फिर इसी के ऊपर हम डाल देंगे दही अपना। और यकीन मानिए ये बहुत अच्छा लगेगा, आप रोटी के साथ खाइए। बहुत से लोग तो चावल के साथ भी पसंद करते हैं, मुझे खुद को भी चावल के साथ बहुत पसंद है। ये देखिए ऐसे, और ये ऊपर से हम थोड़ा सा इसको गार्निश कर देंगे भुना जीरा, रेड चिली पाउडर, और ये हरी मिर्च से हम यहाँ पे रख देंगे हरी मिर्च, और थोड़ी सी ऊपर से भिंडी। ये देखिए गाइस, हमारा कैसा लग रहा है। ये मैं थोड़ा सा, रोशनी कम है यहाँ, थोड़ा मैं रोशनी में दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये हमारा डन है। आप इसको कैसे भी खाइए, चपाती के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ। ओके, बाय बाय, सेफ, टेक केयर।